हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सभी नए अपडेट्स के बारे में। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ HP GK सेक्शन के लिए आप हमारी बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले नंबर पर लिंक आपको इसका मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे 1000 क्वेश्चंस विद आंसर की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बात करते हैं पहले अपडेट की। पोस्ट कोड 955 बॉयलर ऑपरेटर के लिए ये पहला अपडेट है, जिसमें इन दो कैंडिडेट को अपना बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिक और 10+2 सर्टिफिकेट हिमाचल के स्कूल से किया गया हो वो ईमेल के द्वारा सबमिट करने हैं अगले 3 दिन के अंदर अंदर। ईमेल रहेगी ssp-hp@nic.in। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो इसमें 4 पोस्ट कोड में वैकेंसीज़ को इनक्रीज़ किया गया है। पहला जो है वो है पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट की, पहले थी 64 वैकेंसीज़। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 931 एक वैकेंसी थी। सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 937 6 पोस्ट थी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 196 वैकेंसीज़ थी। अब जो हैं स्टेनोटाइपिस्ट की 2 वैकेंसीज़ और ऐड हुई हैं, स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसीज़, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 वैकेंसी, JOA IT की जो है यहाँ पे टोटल 104 वैकेंसीज़ जो हैं ऐड हुई हैं। तो अब जो है स्टेनोटाइपिस्ट 928 पोस्ट कोड की टोटल वैकेंसीज़ जो फिलअप की जाएंगी वो हैं 66, स्टेनोग्राफर की हैं 3, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 7, JOA IT 939 के लिए जब टोटल वैकेंसीज़ फिलअप की जाएंगी वो हैं आपकी 300 वैकेंसीज़। तो ये वैकेंसीज़ जो हैं इनमें 4 पोस्ट को के लिए जो है वो इनक्रीज़ की गई हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है उसकी अगर बात करें, यह है JOA IT 939 के लिए अपडेट। एग्ज़ाम होगा 24 अप्रैल 2022। इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर इनके वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है, एज आपकी 18 से 45 होनी चाहिए और टोटल वैकेंसीज़ अब भरी जाएंगी इसमें 300 वैकेंसीज़। नेक्स्ट जो और लास्ट जो अपडेट है आज का उसकी अगर यहाँ पर बात करें, तो ये अपडेट है JOA IT पोस्ट को 939 के लिए ही और उन कैंडिडेट के लिए है जिनको एग्जामिनेशन सेंटर जो है अलॉट किया गया है HP DDU GKY नाहन एंड हिमालयन स्किल डेवलपमेंट सेंटर नाहन। तो यहाँ पे ये जो 2 सेंटर यहाँ पे नाम शो किए गए हैं, इनकी जगह जो नाम थे वो थे HP DDU GKY कालाअंब और हिमालयन स्किल डेवलपमेंट सेंटर कालाम। दो कंसर्न जो कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्टली अपेयर होना है एग्जामिनेशन के लिए HP DDU GKY कालाअंब में और हिमालयन स्किल डेवलपमेंट सेंटर कालाअंब में। जिन जिन के ये सेंटर थे, जिन जिन रोल नंबर के ये सेंटर थे, उनको इन सेंटर्स पे जो है अब रिपोर्ट करना होगा। बाकी जानकारी आप इनको कॉल करके भी ले सकते हैं। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।